अक्सर हम लोग अपने घर में देखे होंगे जब हमारी मम्मी टेस्टी खाना बनाती है तो जहाँ पहले हम लोग आधा पेट खाकर काम चला लिया करते थे, वहीं टेस्टी खाना होने पर इतना ठुस से खा लेते हैं कि कब्ज, एसिडिटी, गैस और हमारा पाचन तंत्र का तो पूरा सत्यानाश हो जाता है। तो अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं प्रगति शर्मा आपके स्वास्थ्य तक आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा आसान सा आसन, जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं, ज़्यादा जगह की जरूरत भी नहीं है और वो और कोई नहीं ब्रज आसन है। तो देर किस बात की है, चलिए अपने पाचन तंत्र को डायमंड की तरह स्ट्रॉन्ग करें विथ डायमंड पोज। ब्रज आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ जाइए और इस तरह से बैठिए कि आपका पैर का दोनों अंगूठा एक दूसरे को टच कर रहा हो और आपका हील सेपरेट हो। उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे इस तरह से रखिए और ट्राई कीजिए सीधा बैठने का। भोजन करने के बाद हमें अक्सर इस तरह से आराम से बैठने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्रज आसन में हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। उसके बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट की बात है, आपको अपना आँख बंद करके रखना है और अपना पूरा फोकस अपने आईब्रोज के सेंटर में केंद्रित करना है। 2 से 3 मिनट तक साथ इसी तरह हम लोग बैठे रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने आईज ओपन करेंगे। जब भी हम लोग इस पोजिशन में बैठते हैं तो हमारे पेल्विक एरिया में लॉक लग जाता है, जिससे भोजन के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ब्लड हमारे पैरों में कम मात्रा में फ्लो होता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र को जितने मात्रा में ब्लड की आवश्यकता है भोजन को पचाने के लिए वो उसे मिलता है और भोजन पचाने के बाद जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर में सही रूप से लगता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद ब्रज आसन करना चाहिए, लेकिन ब्रज आसन जितना हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा होता है उसके साथ ही साथ ही हमारे लेग को स्ट्रेच करता है और हमारा पोस्चर भी ठीक रहता है। ब्रज आसन करने के बाद अब अपने पैरों को इस तरह से खोल के बैठ जाइए और अपने शरीर को पूरा रिलैक्स कीजिए और अपने पैरों को थोड़ा इस तरह स्ट्रेच कीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम ब्रज आसन में जब बैठते हैं तो हमारा पैर कुछ इस तरह से मुड़ा रहता है, जिससे हमारे एंकल में दर्द आ जाता है। तो जरूरी है कि आप ब्रज आसन के बाद इस तरह से अपने पैरों को स्ट्रेच करें, जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा और ये जरूरी भी है। इस तरह ब्रज आसन करने के पश्चात ही आप कोई दूसरा काम करें। जाते जाते एक और बात मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर आपको नी में किसी प्रकार का दर्द है या नी की अभी हाल फिलहाल में सर्जरी हुई हो या लोअर बैक पेन है तो आप इस आसन को ना करें। उसके जगह मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 5 से 10 मिनट वॉकिंग कर लीजिए, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आई होप मेरा वीडियो ये आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसी तरह मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ जुड़िए और मेरे साथ योगा कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।